बॉलीवुड के एक बड़े स्टार किड के बेटे हैं आर्यन खान, और आर्यन खान को ड्रग्स मामले में 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है। लेकिन जब से शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, तब से लेकर अब तक काफी ज्यादा सुर्खियां छाई हुई है। चारों तरफ मीडिया और सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ही चर्चाएं की जा रही है। जाहिर सी बात है, शाहरुख खान इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ऐसे में उनके बेटे को लेकर ऐसी खबर आना कहीं ना कहीं उनके स्टारडम को भी लेकर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव हो सकता है। हालांकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही स्टार किड्स एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कई सारे लोग शाहरुख खान की फैमिली पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि एनसीबी ने बिल्कुल ठीक ठाक किया, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि आर्यन खान मासूम है और उसे इस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वेल दोस्तों, आने वाले समय में एनसीबी आर्यन खान को लेकर क्या बड़ा खुलासा करती है, ये तो बात का विषय है। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही बहन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब आर्यन खान की बहन सुहाना खान भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करना कभी भी नहीं भूलती हैं। तभी तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होती हैं। लेकिन भाई, आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें लोग आड़े हाथों ले रहे हैं और उन्हें भला बुरा भी कह रहे हैं, जिसकी वजह से सुहाना खान ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है, ताकि कोई भी उन पर कोई भी नेगेटिव प्रतिक्रिया न दे पाए। हालांकि इससे पहले उनका कमेंट सेक्शन ओपन रहता था। सुहाना इस दौरान विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही हैं। लेकिन भाई, आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से वो भी काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। ऐसे में ट्रोलर्स उन्हें अपने आड़े हाथों ना ले, इसलिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। हालांकि इसी के साथ ही आर्यन खान के अगर केस की तरफ नजर डालें, तो ड्रग्स केस में शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान को राहत अभी भी नहीं मिली है। अभी भी उनकी राहत की खबर आने में अटकलें नजर आ रही हैं। कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रखने को कहा है। साथ ही 7 अक्टूबर को उनकी फिर से पेशी होने वाली है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि आर्यन खान की मुसीबत बढ़ती है या फिर वो रिहा हो जाते हैं। आर्यन खान के जेल जाने के बाद से ही शाहरुख खान की फैमिली की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, जहां पर गर्मजोशी से वो उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख खान का भरपूर साथ भी दे रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी भी शाहरुख खान के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान लगातार शाहरुख खान के टच में हैं। इतने नहीं, सलमान खान की बहन अलवीरा भी शाहरुख खान के घर उनसे मिलने गई थी। दोनों परिवारों के बीच में तालमेल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और इस मामले की नजाकत को देखते हुए कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, इसलिए दोनों परिवार आपसी समझ से इस मामले से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।